वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार बड़े ऐतिहासिक गुरुद्वारों के बारे में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह गुरुद्वारा गुरु का लाहौर में सन 1677 ईस्वी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह माता जीतो जी के साथ हुआ था। हर साल यहाँ पर 25 और 26 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के विवाह का यह समागम या गुरुपूर्व के तौर पर भी मनाया जाता है। इस समय जो नगर कीर्तन यहाँ पर निकाला जाता है वो श्री आनंदपुर साहिब के गुरुद्वारा भोरा साहिब से लेकर यहाँ अंतिम गुरुद्वारा गुरु का लाहौर तक निकाला जाता है। तो आइए आज के वीडियो में हम आपको दर्शन करवाते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर आप जिस गुरुद्वारे का वीडियो देख रहे हैं, फोटो तस्वीरें देख रहे हैं, ये है गुरुद्वारा गुरु का लाहौर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस गुरुद्वारा गुरु का लाहौर को यहाँ पर इसलिए बनवाया था क्योंकि जिस समय उनकी शादी थी उस समय राजनीतिक कारणों के चलते हुए इन कारणों के कारण जो संगत और गुरु जी पाकिस्तान वाले लाहौर में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहीं पर अपना एक गुरु का लाहौर बनाया था। ये है उसी गुरुद्वारा साहिब का वीडियो। अब इसके बाद हम आपको जो दूसरा गुरुद्वारा साहिब है उसके भी दर्शन करवाएंगे, गुरुद्वारा पौर साहिब। उसके बाद तीसरा गुरुद्वारा होगा गुरुद्वारा त्रिवेणी साहिब। चौथा गुरुद्वारा होगा गुरुद्वारा सेहरा साहिब। सेहरा साहिब वो स्थान है जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सर पर सेहरा बांधा गया था। जब गुरु जी की बारात आ रही थी तो गुरुद्वारा सेहरा साहिब वाले स्थान पर आके गुरु जी के सर पर सेहरा सजाया गया था। ये वही स्थान है गुरुद्वारा सेहरा साहिब। ये तकरीबन गुरु का लाहौर गुरुद्वारा से 1 से 1.5 किलोमीटर दाई तरफ रह जाता है। जब आप दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा गुरु का लाहौर पहुँचेंगे तो उस समय ये गुरुद्वारा साहिब आपको पहले रास्ते में मिलेगा। संगत जी, गुरुद्वारा गुरु का लाहौर के तो आपने दर्शन कर लिए। जहाँ पर गुरुद्वारा गुरु का लाहौर है, इस गुरुद्वारा गुरु का लाहौर के अंदर एक कुआं भी है। उस कुएं में गुरु जी ने तीर मारकर पानी निकाला था। अब आप दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा पौर साहिब के। ये वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के घोड़े ने, नीले घोड़े ने अपना पौड़ मारा था, यानी कि उन्होंने अपना पैर मारा था। इस स्थान पर आज भी जो जल निकलता है वो खारा निकलता है। वो इसलिए क्योंकि गुरु जी के घोड़े ने यहाँ पर अपना पैर मारा था। इस जगह के ऊपर भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया है। नितनेम, बाणियाँ, सारा कुछ यहाँ पर दूसरे गुरुद्वारों की तरह ही पढ़ी जाती हैं। संगत जी, जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं सभी गुरुद्वारों के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया जाता है। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा त्रिवेणी साहिब के। ये वह ऐतिहासिक स्थान है। संगत जी, आप ये जो तीसरा गुरुद्वारा देख रहे हैं, गुरुद्वारा त्रिवेणी साहिब, इस गुरुद्वारा साहिब का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि संगत ने गुरु जी से बेनती की कि गुरु जी यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ पर पानी की किल्लत दूर कीजिए। तो गुरु जी ने अपना तिकोना भाला यहाँ पर मारा, नेजा मारा धरती के अंदर, तो धरती से 3 धाराएं निकली और उसी के समय से आज तक यहाँ पर यह जल स्थापित है। यहाँ पर एक कुआ है, इस कुएं के ऊपर लिखा हुआ है कि संगत इस कुएं को माथा ना टेके, लेकिन फिर भी संगत नहीं टलती है और संगत फिर भी उस कुएं पर पैसे डालती है और माथा टेकती है। संगत जी, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारे दिए गए वीडियो में कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो सही लगा है, दुरुस्त लगा है, जानकारी अच्छी है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले वीडियो में हम आपको दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा आनंदगढ़ साहिब या किला आनंदगढ़ साहिब का, गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब का, भाई जैता जी का वो पावन स्थान जहाँ पर वो बैठकर भक्ति किया करते थे। भाई जैता जी जो श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली से लेकर आनंदपुर साहिब आए थे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे एक और नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।